हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप्ति। वेलकम टू माय चैनल दीप्ति ब्लॉसम गैलरी। आज आप सोच रहे होंगे कि सामने ये अंडा क्यों रखा हुआ है, कोई क्राफ्ट वर्क करने जा रही हूँ क्या? बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज कोई क्राफ्ट वर्क नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये इफ़ेक्टिव है और जिसे मैंने खुद यूज़ किया है अपने घर में और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं इतना परेशान हो गई थी कॉकरोचों से। आपने सही सुना, मैं कॉकरोचों की बात कर रही हूँ। घरों में कॉकरोच हो जाते तो कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, वो हर जगह घूमते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ये कॉकरोचों के लिए है। मैं आपको इसमें बताऊँगी कि इसको कैसे बनाते हैं और इसे आप ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद घर में यूज़ किया है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। कि ऐसा भी नहीं कि कोई हार्म हो, कुछ भी, कोई डरने की या कुछ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यूज़ कर सकते हैं घर में, जहाँ भी आपके यहाँ पर कॉकरोच हो वहाँ पर लगाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक एग लिया है, बोरिक एसिड लिया है, बोरिक पाउडर भी बोल सकते हैं आप उसको, और दो बाउल लिए हैं, 1 स्पून एंड 1 नाइफ। नाइफ का यूज़ मैं एग को ऊपर से होल करने में यूज़ करूँगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। एग को ऊपर से होल मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका यूज़ मैं मेरे क्राफ्ट में भी कर सकती हूँ। तो आप चाहें तो एग, मतलब इस एक एग से हम तीन चीज़ें बना सकते हैं। मतलब एक तो मैं इसकी कॉकरोचों की दवा बना लूँगी, दूसरा वाइट पार्ट है जिसका आप ऑमलेट बना सकते हैं, या अपने बालों में या अपने फेस में कोई भी पैक बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ऑमलेट खाना है तो वाइट का ऑमलेट बना लीजिए। और जो इसका ऊपर का जो शेल पार्ट है उसका मैं क्राफ्ट में यूज़ कर लूँगी। तो है ना फ़ायदेमंद, मतलब एक अंडे से तीन फ़ायदे। इस तरीके से बोरिक पाउडर मिलाकर इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। और थिक पेस्ट बनाने के बाद में इसे हम जहाँ जहाँ पर भी लगाना है, जहाँ जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ हम यूज़ करेंगे। पहले भी इसको यूज़ किया है, 2 बार, मंथ में 2 बार ही यूज़ किया है इसको। और इसके बाद से हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं है। और इसे मंथ में 1 या 2 बार, मतलब अगर आपके यहाँ कॉकरोच नहीं है तो 1 बार भी लगा लें, ताकि कम से कम अगर कॉकरोच आना भी शुरू हुए गलती से भी, तो भी वो नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाते हैं कॉकरोच, इससे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे आपको आपके घर में कॉकरोच। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी रेमेडी आपको लगता है कि इफ़ेक्टिव है, आपको फ़ायदा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी, एक नए क्राफ्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।